तो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज परम्यूटेशंस, मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन, द वेज ऑफ अरेंजिंग और सिलेक्टिंग सम और इक्वल नंबर ऑफ पर्संस और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्संस और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज इम्पोर्टेंट आर कॉल्ड परम्यूटेशंस. वंस मोर, व्हाट इज परम्यूटेशन? द वेज, the number of ways of arranging or selecting some or equal number of persons or objects from a group of persons or collection of objects when keeping in mind order of arrangement is very very important, it is called permutations. Let us explain this definition by giving the example how the idea of permutation will help the photographer. एक photographer है, permutation उसे कैसे help करता है? Suppose there are three persons whose named are A, B and C. Then how many films does the photograph need? What it means? He has to arrange three persons among three positions or places by keeping into mind that order is very very important. Therefore various possibilities are, अब photographer ने तीन persons की photo खींचनी है, ठीक है, उसने check कर रहे हैं कि order is very important, तो उसकी possibilities क्या है? ये उसकी places है, वो तीन बंदे हैं A, B, C. तो पहली photograph उसकी, पहले group photograph बनेगी, A को यहाँ पे रखेगा first place पे, फिर B को second place पे, C को third place पे, तो एक उसकी अरेंजमेंट तैयार हो गई. तो वो ये पॉसिबिलिटी है कि तीन बंदे ए बी सी इस ऑर्डर में खड़े हुए तो उसकी एक फोटोग्राफ तैयार होगी. तो ऐसा भी हो सकता है ए वहीं पे रहे और बी और सी इंटरचेंज कर दें इन द सेम वे. अब बी से स्टार्ट कर दें, सी को सेकंड प्लेस पे, ए को यहाँ पे, फिर बी को फिक्स रखें, सी और ए को इंटरचेंज कर दें. तो अनदर पॉसिबिलिटी, सी से शुरू हुए, ए को यहाँ पे रखे सेकंड प्लेस पे, बी को यहाँ पे रखे, सी को वहीं पे रहने दे, ए और बी को इंटरचेंज कर दे. तो आपने देखा कि फोटोग्राफर के पास छह पॉसिबिलिटीज हैं ग्रुप फोटोग्राफ की. तीन बंदों की फोटोग्राफ लेनी है तो फर्स्ट ऑप्शन है कि तीनों बंदों को ऐसे खड़े कर दे ए बी सी की तरह. सेकेंड ऑप्शन है ए को यहाँ पे रखे, सी और बी. तो ये उसका मैनुअल वर्क है, उसने बार बार किया और छह पॉसिबिलिटीज उसके पास आई ताकि वो तीन बंदों की डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ फोटोग्राफ खींच सके. और कोई भी अरेंजमेंट जो है सेम नहीं है, देखो ये डिफरेंट है, ए बी सी, फिर ए सी बी, फिर बी सी ए, बी ए सी, कोई भी सेम नहीं है. तो उसने मैन्युअली काफ़ी टाइम यहाँ पे लगाया और ये पॉसिबिलिटीज तैयार की कि उसके पास छः तरीके हैं, छः डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफ्स उसके पास बन सकती है. तो लेकिन बट द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन विल रियली सेव द टाइम and manual work of the photographer. By the help of formula of permutation, photographer will know, उसे पता लग जाएगा all the possibilities without actual or manually counting the, ये table जैसे बनाया है, manually काम उसका नहीं होगा. permutation के formula से उसे पता लग जाएगा कि कितने photographs, कितनी different posters में उसकी photographs की arrangements तैयार होएगी. तो formula क्या है, क्या है formula? formula for number of ways or permutations when R objects are chosen from n different objects, it is denoted by P N R or N P R. तिरछा लिखेंगे N P R. And P N R होता क्या है? Factorial n over factorial n minus R. जैसे पिछले मैंने लेक्चर में आपको factorial बताया था. Like here the above example, photographer के केस में number of persons कितने हैं? A, B, C तीन है, और तीन के तीन ही आ रहे हैं photograph खिंचवाने के लिए. तो R क्या होता है कि total, N क्या है कि कितने objects present हैं, और R होता है कितने एक time पे उसने लेने हैं. तो P, N, R is factorial N over factorial N minus R. तो factorial 3 over factorial 0, जैसा कि हम जानते हैं factorial 0 1 होता है, तो factorial 3, it is 3 into 2 into 1 equal to 6. Therefore, there are six ways of arranging three persons for group photograph. अगर तो photographer को ये formula बता दिया जाए, permutation concept बता दिया जाए, तो उसको पता चल जाएगा कि छः
तरीके से वो फोटोग्राफ, छह डिफरेंट फोटोग्राफ्स उसकी तैयार हो जाएगी। फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6, टोटल 6 बंदे हैं, 5 के डिफरेंट बनाने हैं, तो फॉर्मूले से पता चल जाएगा PNR फैक्टोरियल n, ये होता है n, ये होता है r। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 5 1, तो 1 फैक्टोरियल हम जानते हैं 1 होता है, तो 6 फैक्टोरियल भी हम जानते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 720 तरीके हैं। तो ये तो वो मैनुअली नहीं कर पाएगा, पर उसे पता लगे कि 6 बंदे में से 5-5 की डिफरेंट अरेंजमेंट्स तैयार करनी है, तो कोई भी अरेंजमेंट अगर सेम नहीं है, ए बी सी डी ई एफ 6 बंदे हैं, वो कोई 5-5 लेकर उसने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफ्स तैयार करनी है, तो 720 फोटोग्राफ्स तैयार हो जाएंगी। जैसे लाइक पहले ए बी सी डी ई की हो जाएगी एक फोटोग्राफ, ऐसी एक हो जाएगी बी सी डी ई एफ की, ऐसे बहुत सारी है, मैनुअल तो हो नहीं सकेगा, पर ये पता चल जाएगा 720 फोटोग्राफ्स तैयार हो जाएगी। अगर n 5 है r 3 है, तो पी एन आर का फार्मूला n 5 है r 3 है, फैक्टोरियल n n माइनस r, इसको सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल 5 क्या होता है 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 को फैक्टोरियल 2 फिर से लिख दिया ताकि नीचे फैक्टोरियल 2 कट जाए, तो 60 बेस। ओके okay?